हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सभी पुलिस महकमे को शपथ दिलाई है, वहीं दूसरी तरफ एक पुलिसकर्मी शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल यह मामला बिहार के सहरसा जिले का है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दारू के शौकीन अपना गला भिगाने के लिए बिहार से बाहर भी हाथ पैर मारते रहते हैं। सूबे के सहरसा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल जिले के सदर थाने में तैनात थानेदार का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक लड़की के साथ डर्टी डांस करते दिखाई दे रहे हैं। थानेदार बाबू सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई पर ऑलिंगन डांस करते दिखाई दे रहे हैं। यह मामला सहरसा के सदर थाना से जुड़ा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें थानेदार जयशंकर प्रसाद बार बार साथ गाने पर झूमते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शराब जैसी एक बोतल और पानी टेबल पर रखा हुआ दिख रहा है। ट्रेंडिंग बिहार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खुद दारोगा भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा है ये शख्स वो नहीं है, लेकिन ताज़ा जानकारी ये सामने आ रही है। जिले की SP लिपि सिंह ने थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी लड़की के साथ डर्टी डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले में और पुलिस महकमे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई पत्रकार आरोपी थानेदार जयशंकर प्रसाद को बहुत पावरफुल बता रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि है कि नियम कानून के खिलाफ दारोगा को जिले के सदर थाने का कोतवाल बनाया गया, जबकि नियम कहता है कि जिले के सदर थाने में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही थानेदार हो सकता है। वायरल वीडियो में सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद एक लड़की के साथ डांस करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ और लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। मैडम, एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला? कल शाम में हम लोग को वीडियो वायरल जो है वो मिला और कुछ फोटोज़ थी, कुछ वीडियो थी। इमीडिएटली SDPO सदर को हमने जांच के लिए दिया इसकी सत्यता के लिए। प्रथम दृष्टया फोटोज़ और वीडियोज़ को देखते हुए ये अनुशासनहीनता और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और ये वॉयलेशन है कंडक्ट रूल्स का। आपको पता है कि हम लोग हर साल शपथ भी लेते हैं कि ना तो शराब पीनी है ना पिलानी है, और जो ये कारोबारी उनको पकड़ना है और इसमें बिल्कुल भी संलिप्त नहीं रहना है। और ये गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके हम ही लोग एनफोर्समेंट कराने के लिए हैं। तो ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है। तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है और जांच चल रही है, और भी अगर तथ्य सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नए थानाध्यक्ष के रूप में किसे? वो अब जस्ट इमीडिएटली पोस्ट करेंगे। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए कोशी आलोक के साथ।